गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नितेश पाठक, योर म्यूजिक टीचर। तो अब मैं आपको इस अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने क्लिप फिफ्थ में प्रार्थना बताया और समझाया सिखाया। अब मैं आपको इस सिक्स क्लिप में जो मैंने आपको बताया था कि शास्त्र पक्ष के दो होते हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शूद्र शास्त्र, तो इस विषय में हम आपको आज बताएंगे। तो आइए पहला जाने कि क्रियात्मक शास्त्र होता क्या है। अगर आपको कोई भी शब्द के बारे में अगर जानकारी नहीं तो कॉमेंट्स में आप अवश्य लिख देंगे कि हाँ सर मुझे ये शब्द पता नहीं चला। तो क्रियात्मक शास्त्र संगीत में जो क्रियात्मक शास्त्र है वो ये है कि इस शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन आता है, ठीक है, जो हम क्रिया करते हैं, जैसे रागों का परिचय, इनमें रागों का जो परिचय है ये हम करते हैं, गीत की स्वर लिपि लिखते हैं, ये सब क्रिया है, क्या है जो करने योग्य है। तान आलाप मिलते जुलते रागों की तुलना, जो तान आलाप हम लेते हैं गीतों में उनका मिलते जुलते रागों की तुलना और टुकड़ा रेला आदि आते हैं। तो ये हमारे थे क्रियात्मक शास्त्र, जो शास्त्र पक्ष के दो के पहले जो पॉइंट है हमारा क्रियात्मक शास्त्र था। अब है हमारा दूसरा पॉइंट शूद्र शास्त्र। शूद्र शास्त्र में संगीत, नाद, जाति, आरोह अवरोह, स्वर, लय, मात्रा, ताल, खाली आदि की परिभाषा, संगीत का इतिहास आदि का अध्ययन आता है। तो शुद्ध शास्त्र का अर्थ ये हुआ कि उसमें कीवल और कीवल उनमें आरोह अवरोह होना आवश्यक है, स्वर का होना आवश्यक है, लय का होना आवश्यक है, मात्रा का होना आवश्यक है, ताल का होना आवश्यक है, खाली का होना आवश्यक है। ये सब जब हम परिपूर्ण शास्त्र के अनुरूप चलते हैं तो हमारा ये संगीत इतिहास आदि अध्ययन इसमें आते हैं। तो ये था आपका शुद्ध शास्त्र और क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। अब आपका अगला पॉइंट है संगीत के प्रकार। तो आपको मैं अगले वीडियो क्लिप के 7 क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि संगीत के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे घर में लिखते भी रहे और याद करते भी रहे, जिससे विद्यालय ओपन होने पर आपको मैं पूछूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।